झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। उपचुनाव को लेकर बताया जा रहा है कि महिलाएं, पुरुषों और युवाओं के साथ साथ थर्ड जेंडर वोटर भी काफी उत्साहित है। संख्या कम होने के बावजूद उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। उपचुनाव में थर्ड जेंडर वोट डाले जाएंगे और इसके साथ ही थर्ड जेंडर इन दिनों बधाई और खुशी के पर्व पर लोगों के बीच बधाई लेने के साथ साथ मतदान करने की अपील भी लोगों से कर रहे हैं। झुंझुनू में हमारे संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत ने थर्ड जेंडर वोटर से खास बातचीत की है। लोकतंत्र में एक एक वोट का महत्व है और झुंझुनू जिले में 13 नवंबर को मतदान होने हैं और इसी मतदान को लेकर प्रशासन द्वारा स्वीप गतिविधि का आयोजन कर आम जन को जागरूक किया जा रहा है। वहीं जिले के थर्ड जेंडर मतदाता हैं, वो भी लोगों के बीच पहुंचकर मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। भले ही इनके वोटों की संख्या 5 हो मगर इनमें मतदान को लेकर खासा उत्साह है। झुंझुनू विधानसभा में करीब 2,70,000 मतदाता हैं और ये मतदाताओं के बीच पहुंचकर बधाई संदेश के दौरान ये लोग आमजन को मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिले के थर्ड जेंडर मतदाता। किस तरह आप बधाई के लिए जा रहे हैं तो वहां मतदान के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं? भाई मैं सुबह सुबह सब बधाइयां बजाती हूँ घर घर और सब भाई बहनों से बोलती हूँ। बहन सभी भाई बहन वोट डालना और वोट बहुत जरूरी है। सभी से निवेदन करती हूँ सभी भाई बहन वोट डाले। अभी 13 नवंबर को झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव को लेकर मतदान है, कितना क्या उत्साह है और किस तरह क्या प्रेरित कर रहे हैं आप? सब अपनी पहचान बनाए, वोट के बिना कुछ भी नहीं है। किस तरह क्या आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं इन दिनों और किस तरह वोट की अपील कर रहे हैं? इस तरह कर रहे हैं कि जिस मानस से यही करने में आप अपनी कीमती वोट बहुत जरूरी दिए और जनता जहां तक भी है कि अपना जो वजूद है अपना वोट का, वो वोट का अपनी वोट की वजूदी अपनी वजूदी करो और कहना अपनी अपनी वोट को अपने अपने सदस्यों को पहचानो कि ये चीज क्या है। हम तो ये जिजमान से ये दुआ करेंगे कि अपनी देश की जो जो जनता है कि उनसे इस भी ये करती हूँ कि मैं इस तरह की कि अपने वोट दे में और ये जनता को आगे बढ़ाए, अपना देश आगे बढ़े। वो लोकतंत्र में वोट का क्या महत्व है वो इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि भले ही संख्या में वोट कम हो मगर ये जो प्रशासन द्वारा स्वीप गतिविधि चलाई जा रही है उसके अलावा भी लोगों के बीच पहुंचकर बधाई के साथ साथ वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। और इसी के साथ बारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए बिग ब्रेकिंग।